हर एक पेशेंट के लिए बात करें तो हर एक डिजीज़ के लिए एक अलग अलग प्रोसेस होता है। अब जैसे कोई पेशेंट आया आपके हॉस्पिटल में, उसको बुखार आ रहा है, ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको केयर उसको इस हिसाब से देखो, जैसे उसको कि उसकी टेम्परेचर उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, ठंडे पानी की पट्टियाँ करनी है, ठीक है, स्पॉन्ज बाथ उसको देनी है, और उसको टाइम पे PCM टैबलेट देनी है, ठीक है, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, उसका फ्लूइड लेवल मेंटेन करके रखना है। ये फीवर का कोई पेशेंट है, ओके, बीमार। अब दूसरा कोई पेशेंट आया, उसका अगर बात करें तो उसके ब्लड प्रेशर वो बढ़ा हुआ है, तो उसको आप सेम केयर नहीं दे सकते, उसके लिए क्या होगी, एक अलग केयर होगी। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ओके ओके, यहाँ पे अब मैं आपको बेसिक से सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, नर्सिंग प्रोसेस इज ए मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड, ओके। नर्सिंग प्रोसेस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड एज ए 4-स्टेज नर्सिंग प्रोसेस बाय इडा जीन ऑलेंडो इन 1958। द डायग्नोसिस फेज वाज एडेड लेटर। तो पहले जब ये नर्सिंग प्रोसेस की बात है, इसमें 5 फेज होते हैं, ओके। तो 5 में से अगर बात करें तो 5 फेज कौन कौन से हैं, ये 5 फेज है। सबसे पहला वो है नर्सिंग असेसमेंट। कभी नर्सिंग नोट्स बनाए आपने, बनाए कभी? ये आपको बहुत काम आएंगे। नर्सिंग सबसे पहले स्टेप है वो है नर्सिंग असेसमेंट। सेकंड है नर्सिंग डायग्नोसिस। थर्ड प्लानिंग। फोर्थ इंटरवेंशन। फिफ्थ इवेल्यूएशन। और ये सेम स्टेप चलता रहता है। जैसे कोई पेशेंट आया, आपने सबसे पहले उसको क्या किया, असेस किया। असेस का मतलब उसको देखना, उसको जांचना। आपने उसको असेस किया, देखा, आपने मरीज को देखा, मरीज के क्या हो रहा है, मरीज को बहुत शिवरिंग हो रही है, ठीक है, कपकपाहट हो रही है, पसीना भी आ रहा है, ओके। तो आपने क्या किया, आपने उसको, ठीक है, इसको एडमिट करो, डॉक्टर ने इसको प्रेस्क्राइब किया। अब एडमिट किया, एडमिट करने के बाद आपने क्या किया, इसका फिर डायग्नोसिस। अब असेसमेंट है, आपने देखा कि पेशेंट को क्या फीवर है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उस पेशेंट को फीवर को कंट्रोल करना है, या फिर उसके जो शेविंग हो रही है उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। उसके लिए आपने क्या किया, डायग्नोसिस किया कि उसको ये फीवर क्यों आ रहा है। डायग्नोसिस आप क्या करो, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, उससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि उसका ये रीज़न क्या है, कि उसको कोई इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन हो गया तो उसको आप सही करने का आपने क्या करोगे, आप प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब समझ में आया कि प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई गोल अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर आप एक्टिविटी करते हो, उसको अपन कहते हैं प्लानिंग। उसके बाद प्लानिंग की कि हाँ अपने को क्या करना है, उसको सही करना, तो उसके लिए प्लानिंग की, वहाँ से कैसे पहुँचना। उसके बाद आप क्या करोगे, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब आपने जो प्लानिंग की है उसको अप्लाई करना, ठीक है, और उसके बाद में इवेल्युएशन करना, और आप इस हाँ पहुँच गए या नहीं पहुँचे। या इसको जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं कि जैसे आपने घर से आप निकले और यहाँ आपको कोचिंग आना है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आना है। अब आप घर से निकले तो सबसे पहले तो आपने असेस किया कि हाँ वहाँ जो वहाँ पे जाना है, तो पहले देखा कि स्कूटी घर पे है या बाइक है, कार है, घर पे है या नहीं है, असेस किया। असेस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि चलो जाना है, तो सेकंड स्टेप क्या करोगे, चेक करोगे कि इसमें पेट्रोल है या नहीं है, ईवी है तो चार्ज है या नहीं है। अब चार्ज है, पेट्रोल है, तो फिर क्या करोगे कि अब प्लानिंग करते कि मुझे कौन से रास्ते से होके जाना है, ठीक है। अब अगर जैसे आपको फर्स्ट टाइम क्या करो बात करो, कौन से रास्ते से होके आना, मुझे इधर CHB होके आना है, इधर पाल रोड के होके आना, इधर कोई और रास्ता है तो वहाँ से होके आना है, या फिर बीच में कोई नाश्ता करके वो आना है। ऐसा भी हो सकता है प्लान किया हो आपने कि घर से मैं 4 बजे निकलूँगा, कोचिंग तो 6 बजे जाना, तो 1 घंटे कहीं फ्रेंड के ही रुक जाऊं। तो आपने क्या की, प्लानिंग। अब प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट क्या करोगे आप, उसका इंटरवेंशन, ठीक है, कि आपने प्लानिंग कर दी, पहले दिमाग सोच लिया कि मुझे वहां ऐसे ऐसे तरीके से जाना है, फिर आपने स्कूटी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट की, वहां से आप वहां गए, वहां से वहां गए, वहां से वहां गए, घूमते घूमते यहां पहुंचे। फिर उसके बाद लास्ट आप क्या करोगे, इवेल्यूशन, कि हाँ जो मैंने सोचा था क्या वो एज इट इज वैसा वैसा हुआ, वही रास्ते से हुआ, या फिर कोई और तीसरा फ्रेंड मिल गया वहाँ रुक गया, ओके। तो ये क्या कर लिया आपने, कि आपने जैसे प्लानिंग की कि मुझे यहाँ पे 1 घंटे में पहुँचना है, पर आपको कोई और फ्रेंड रुक मिल गया, बीच में कोई और काम आ गया, तो आपको लेट हो गया, तो आपने वहाँ लास्ट में पहुँच के क्या किया, इवेल्यूएशन,
कि मैं जितना सोचा था उस टाइम पे नहीं पहुंच पाया, तो उसका रीज़न क्या था, बीच में रुक गया, तो वापस क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करोगे। ओके, तो जैसे आपको पहली बार आप किसी नई जगह पे जाते हो, ठीक है, कोई भी काम आप करते हो पहली बार, तो आपको क्या लगता है, ज़्यादा टाइम, बट दूसरी बार आप जब इसको करते हो, तीसरी बार, फिर धीरे धीरे क्या होता है, टाइम कम होता रहता है और आप उतना ही एक्सपर्ट होते रहते हो। तो नर्सिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो ये सारे स्टेप्स है, ये फॉलो करने के बाद आप बेटर एक क्लिनिकल नर्स या फिर आप एक उस फील्ड में परफेक्ट होता है। ओके, तो ये पांच स्टेप्स हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है या नर्सिंग प्रोसेस काम कैसे करता है। सो द नर्सिंग प्रोसेस फंक्शंस एज ए सिस्टमेटिक गाइड टू क्लाइंट सेंटर्ड केयर विथ फाइव सिक्वेंशियल स्टेप्स। इसका मतलब ये होता है कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एक सिस्टमेटिक गाइड है, एक सिस्टमेटिक मतलब जो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, ठीक है, जिसके मतलब हेल्प इसके कारण इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक क्लाइंट सेंटर्ड केयर, क्लाइंट सेंटर मतलब जिसमें मतलब बात कर पेशेंट को फोकस करके अपन केयर प्रोवाइड करते हैं। और उससे पांच स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला क्या है, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ओके, इट इज ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। क्लियर है आपको क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस, समझ आ गया कि पेशेंट सेंट्रिक नर्सिंग केयर देने का स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक गाइड को अपन क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, ओके, अब है इसकी डेफिनेशन। नर्सिंग की परिभाषा ये आपको याद होनी चाहिए, हेल्थ की डेफिनेशन याद होगी सबको, बताओ हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन याद हो गई, बताओ, याद है तुम्हें, याद है, याद है हेल्थ की परिभाषा, क्यों बताओ, वापिस बताओ, चलो टूटी फूटी कैसे ना कैसे पहुंचती गए, हाँ प्लानिंग और अच्छे से करो, प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो हेल्थ की डेफिनेशन आप सबको याद है, नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, और जब तक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये इस तरीके से आपको होगी हेल्थ की डेफिनेशन, आपसे कोई रात को उठा के पूछो हेल्थ की डेफिनेशन तो आप बोल पाओगे, अदरस मेरी क्लास में बैठा तो आपको हेल्थ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए, याद है, बोलो, गुड। चलो तो हेल्थ की डेफिनेशन सबको याद है, तो वैसे ही अगली डेफिनेशन आपको याद करें नर्सिंग की,
कि नर्सिंग क्या होता है। नर्सिंग की अगर बात करें, नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ और इट्स रिकवरी और टू अ पीसफुल डेथ द क्लाइंट वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ विल और नॉलेज एंड टू डू दिस इन सच ए वे एज टू हेल्प द क्लाइंट गेन इंडिपेंडेंस एज रैपिडली एज पॉसिबल। ओके, नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग क्या एक यूनिक फंक्शन है नर्स का। ओके, टू असिस्ट द इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल या कोई बीमार व्यक्ति उसकी मदद करना। ओके, और ऐसी आपको उनको क्या करना, ऐसी परफॉर्मेंस ऐसी एक्टिविटीज करना जो उसकी हेल्थ में, ओके, उसकी रिकवरी में, या फिर वो एक पीसफुल डेथ हो पाए। ओके, ताकि वो क्लाइंट ये चीज़ें परफॉर्म कर पाए। ओके, और ये सब करने के लिए उसके पास में नेसेसरी स्ट्रेंथ विल और नॉलेज होनी चाहिए। ओके, ताकि वो क्लाइंट को इंडिपेंडेंस गेन करने में हेल्प कर पाए। तो नर्स का मेन अगर बात, नर्स क्या फंक्शन है नर्स का, किसी भी बीमार व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल या फिर ऐसा व्यक्ति जो जिसको हेल्थ केयर की ज़रूरत है उसको वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करे। ओके, ताकि वो पर्सन खुद की अगर बात करें, खुद की एक्टिविटीज़ में, खुद की हेल्थ में वो इजीली रिकवर कर पाए। ठीक है, और उसको ये काम करने के लिए नर्स के पास में एक स्ट्रेंथ विल और नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जिससे वो पर्सन है जो क्लाइंट है उसको इंडिपेंडेंस मिल पाए। ठीक है, इसको आप बार बार पढ़ दोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, यह नर्सिंग। अब प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस क्या है, इट इज ए सीरीज ऑफ प्लांट एक्शंस और ऑपरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर रिजल्ट और गोल। प्रोसेस की अगर बात करें, प्रोसेस का मतलब क्या है, इट इज ए सीरीज ऑफ प्लांट एक्शन, जो आपने प्लांट एक्शंस किए हुए हैं। ओके, सीरीज है उन सबका। ठीक है, जैसे सीरीज आप पता समझ रहे हो ना, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ओके, तो प्रोसेस क्या है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जैसे मैंने जैसे पेन पकड़ रखा है, तो सिर्फ पेन हाथ नहीं, यहाँ से क्या ब्रेन ने सिग्नल दिया। ओके, सिग्नल वहाँ से हाथ के थ्रू यहाँ तक पहुँच गया, तो ये क्या पूरा प्रोसेस है। ओके, तो सीरीज ऑफ प्लांट एक्शन और ऑपरेशन डायरेक्ट टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर रिजल्ट, तो ये होता है नर्सिंग प्रोसेस। अब अलग अलग डेफिनेशन नर्सिंग प्रोसेस की, अब यहाँ पे बात करें, इट इज ए फाइव स्टेप क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग अप्रोच डेट इंक्लूड असेसमेंट, डायग्नोस्टिक, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन। द पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज टू डायग्नोस एंड ट्रीट ह्यूमन रेस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, अब नर्सिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें पांच स्टेप्स आते हैं। ओके, जो हेल्प करते हैं किसी भी नर्स को क्लिनिकल डिसीजन लेने में। दूसरा है नर्सिंग केयर प्लान, NCP, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। ये जब आप फंडामेंटल में, ये बहुत ही आपके NCP आपको बनाने होंगे, बट आप शायद बनाते हो, नहीं बनाते हो, बट आपको बनाने चाहिए। नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान प्रोवाइड डायरेक्शन ऑन द टाइप ऑफ नर्सिंग केयर द इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी में नीड। इट कंटेन्स ऑल द रिलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पेशेंट डायग्नोस, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट, द स्पेसिफिक नर्सिंग ऑर्डर एंड ए प्लान फॉर इवेल्यूशन। ओके, ये नर्सिंग केयर प्लान है जो आप रिटर्न में सारी चीज़ें आप बनाते हो कि किस तरीके से आप केयर दोगे। तो उसके बाद ये है स्टेप्स नर्सिंग प्रोसेस के। तो सबसे पहला स्टेप है वो है असेसमेंट। अब असेसमेंट के बारे में कोई बताएगा क्या होता है असेसमेंट? नहीं, असिस्ट करना अलग है, असेसमेंट करना अलग है। ठीक है, पेशेंट की बात सुननी। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि जैसे आप किसी रूम में एंटर हुए, या फिर ओके, या फिर कोई भी आप नई जगह जाते हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हो, साथ से असेसमेंट भी करते हो। जैसे आप किसी शादी में गए,
ठीक है, शादी में आप गए, शादी में आपने देखा कि अब शादी में आप अकेले चले गए खाना खाने के लिए, आपके गेस्ट, ठीक है। अब वहाँ पे आपने क्या किया, एंटर हुए, अब आपने चारों तरफ देखा, असेसमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, अब अकेले खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो देखते हैं कोई कोई अपने जैसा मिले जिसके साथ बोले कि भाई तू भी खाना खा ले, मैं भी खाना खा लूँ, मिल के खाना खा लेते हैं, ठीक है। अब उसके लिए अपन क्या करते, देखते आसपास में ऐसा पर्सन जो, अब कोई पर्सन है उसको असेस किया, वो ऑलरेडी चार पांच दोस्तों का ग्रुप है, क्या आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहोगे, या कोशिश को कोई पर्सन जो अकेला बैठा है, वो अकेला खाना रहा है, तो उसके पास जाओगे। आपने देखा चलो वो अपने जैसा ही है, अपने मिलने वाला है, अपने एरिया से है, ओके। तो असेसमेंट का मतलब ये होता है कि ओके, कि कोई भी चीज, कोई भी डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, आपने डाटा कलेक्ट करना, उसको फिर वैलिडेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना एंड डॉक्यूमेंटिंग करना। कि जैसे कोई पेशेंट आपके पास में आया, डॉक्टर के पास पेशेंट आया, आपके पास में आया, आपने उसका डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसको पूछा कि बुखार कब से आ रहा है, कितने दिन से आ रहा है। आपने देखा होगा कोई भी डॉक्टर है वो सवाल बहुत सारे पूछता है किसी पेशेंट से, क्यों पूछता है, उससे उसको डाटा मिलता है, डाटा मीन्स कि उसको सारी जानकारी मिलती है कि हाँ वो पेशेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसको हेल्प कर पाएगा डायग्नोस करने में। तो इसमें क्या होता है, उससे डाटा कलेक्ट करता है, उसके बारे में पूछता है कि आपको बीमारी कब से है, कहाँ से पे रहते हो, कैसे रहते हो, क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, ये सारी चीज़ें वो पूछता है। तो ये सारा किस में आता है, असेसमेंट में। तो नर्सिंग असेसमेंट इज ए डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा टू डिटरमाइन ए क्लाइंट करंट एंड पास्ट हेल्थ स्टेटस एंड टू डिटरमाइन द क्लाइंट्स पर्सनल एंड पास्ट कॉपिंग पैटर्न्स। अब कोई पेशेंट है, उसको अगर बात करें, कोई बीमारी है, जैसे उसके कोई प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी डिजीज़ ले लो, फीवर ले लो, या फिर कोई डिजीज़ है उसके बार बार हो रही है, जैसे पाइल्स की बीमारी है, पाइल्स की, ओके, पाइल्स है, किसी पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम है। अब आपने उसको आइडेंटिफाई किया, उसके पाइल्स की प्रॉब्लम है, आपने उससे पूछा कि आप क्या खाना खाते हो, तो कहता है कि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है। आपने उसको कहा कि चलो ठीक है, तो अभी आपने उसको ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, बट फिर नेक्स्ट टाइम फिर से वही प्रॉब्लम, पेशेंट आ गया फिर से उसने यही प्रॉब्लम की, तो आपने उसको फिर कहा कि आप ये चीज़ें खाना बंद करो, ये चीज़ें करोगे तो आपके फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तब उसकी पास्ट हिस्ट्री आपको पता चल गई कि हाँ उसको डाइट लेने की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी प्रॉब्लम आनी है। तो ये नर्सिंग असेसमेंट में क्या होता है कि आप डाटा कलेक्ट करते हो किसी भी पेशेंट के बारे में, और उससे आपको एक आइडिया लगा बनाते हो, एक इमेजिनेशन करते हो कि इसको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, चलो फिर मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे मैं चार पांच सिम्टम्स बताता हूं, और चार पांच सिम्टम्स से आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि उसको क्या बीमारी है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ आपको अगर बोल दूं कि किसी के स्वेटिंग हो रही है, तो क्या आप बता सकते हो कि उसकी क्या बीमारी है, और क्या सिर्फ बस यही भी, सिर्फ स्वेट है तो कितनी बीमारी है, किसी के पसीना आ रहा है, हाँ, और गर्मी पे खड़ा हो तो भी पसीना आएगा, हाँ, स्वेटिंग आ रही है, तो उससे क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं। दूसरा, साथ में उसको चक्कर भी आ रहा है, वीकनेस है, वीकनेस है साथ में, ठीक है, चक्कर आ रहा है। अब तीसरा है उसके, उसको धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो अब आप पता कर सकते हो कि कौन सी बीमारी होगी। चौथा, उसके चेस्ट पेन हो रहा है, तो धीरे धीरे देखा आप, जब आपने ज्यादा स्टेप बाय स्टेप आप नजदीक पहुंचोगे तो कैसे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है सब। अगर जैसे स्वेटिंग की अगर बात करें, स्वेटिंग से पता थोड़ी चलेगा कि पसीना से कौन, उसके बाद में पता चला कि उसको कमजोरी है या फिर वीकनेस है या फिर चक्कर आ रहे हैं, तो अपने को थोड़ा सा हुआ, पर उसके बहुत सारी बीमारियां ऐसी जिनके सेम सिम्टम्स है। तीसरा बात करें, तीसरे उसको चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही, एकदम विजिबिलिटी कम हो गई है, और चौथा है चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन की अगर बात करें तो उसमें भी अलग अलग
और ज्यादा अपन डीप में जाएंगे तो और ज्यादा फाइंड आउट करने के लिए अपन नेक्स्ट स्टेप होता है इसका, ये तो उसके सारे स्टेप्स है, डायग्नोसिस वगैरह, डाटा कलेक्शन वगैरह, ये बहुत सारे डीप में है, वो डीप में अपन अगर जब पढ़ने बैठे तो फिर बहुत टाइम अपना निकल जाएगा। पूरा डीप में पढ़ना है क्या अभी? टाइम तो थोड़ा सा लग जाएगा अभी डीप में। चलो मैं बता देता हूँ आपको फिर, ठीक है, मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ओके तो कल वाला हो गया ना कंप्लीट? वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। असेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरह के असेसमेंट होते हैं, इनिशियल, फोकस्ड और इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लिस्ट असेसमेंट्स। ओके, फिर ये असेसमेंट के हिसाब से अपन क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। जो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्टिविटी डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसका डाटा को वैलिडेट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट। ओके, अब यहाँ पे बात करें तो डाटा दो तरह के कलेक्ट किया जाता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद है आपने डाटा दोनों कलेक्ट किया, फिर उसके बाद डबल चेक किया जाता है कि हाँ वो सही है या सही नहीं कह रहा है, ठीक है। उसके बाद में उसका ग्रुपिंग किया जाता है, उसके बाद उसका ऑर्गेनाइज, उसका डॉक्यूमेंटेशन, ये एक्टिविटीज की जाती है। अब डाटा कलेक्शन की अगर बात करें, डाटा कलेक्शन मतलब क्या होता है, डाटा को कलेक्ट करना। ओके, अब डाटा कलेक्शन में भी बहुत सारे है, बट वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, वो फिर फाउंडेशन जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर, उसमें ज़्यादा डीप रहेगा। उसके बाद है सेकेंड है वो डाटा को वैलिडेट करना, कि आपने पहले डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि पेशेंट ने ये सारी चीज़ें बता दी, अब उसको वैलिडेट करना है कि हाँ वो, जैसे कोई पेशेंट कह रहा है कि मुझे पिछले 5 दिन से बुखार आ रहा है, या फिर बुखार आया, अब जैसे मुझे अभी बुखार आ रहा है, ठीक है, अब पेशेंट तो बोल रहा है कि उसे बुखार आ रहा है, पर आप उसको वैलिडेट कैसे करोगे, थर्मामीटर के थ्रू उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद में उस डाटा को क्या करना है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब सिस्टमेटिक करना, ठीक है। जैसे आपके कोई देखा होगा कि फाइल जो बनती है, आप हॉस्पिटल जब फाइल बनाते हो तो सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हो, कि सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद सारी रिपोर्ट्स होती है, फिर एक्सरे होता है, तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक की जाती है। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर उसके बाद डाटा को क्या किया जाता है, इंटरप्रेट या फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। एनालिसिस मतलब कि डॉक्टर ने पेशेंट को बहुत सारे सवाल पूछे, 500 सवाल पूछे, और 500 सवाल सारे के सारे अगर बात करें तो काम, उसमें से 500 में से 10 ऐसे सवाल होंगे या 10 ऐसे जवाब होंगे जो डॉक्टर के बहुत हेल्पफुल होंगे उस बीमारी को आइडेंटिफाई करने में। ओके, उसके बाद वो एनालिसिस करने के बाद फिर उसका क्या किया जाता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन। ओके, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, मतलब उसको लिखा जाता है, उसकी एंट्री की जाती है। तो ये होता है डाटा, सबसे पहला डाटा के बारे में असेसमेंट के जरिए 5 एक्टिविटीज आती है। तो पहला आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना फिर मैं आपको ये पीपीटी शेयर कर दूं, पर ये पीपीटी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये मैं आपको इसके काम करता हूँ, मैं नर्सिंग प्रोसेस शेयर कर देता हूँ, आप वो लिख देना, ठीक है। ओके, तो फिर सबसे पहला असेसमेंट, उसके बाद आपने असेसमेंट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप, आपने उसको चेस्ट पेन होना शुरू हुआ, तो चेस्ट पेन होना शुरू हुआ तो आपको लग गया कि हाँ इसकी बीमारी हो सकती है, इसके कार्डिक अरेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब वो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, उसके लिए अपन क्या करें, उसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपने देखा होगा ना, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, कि उस डिजीज को
एकदम कंफर्म करने के लिए एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप है, ताकि वो उसका और डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, इट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ओके, तो डायग्नोसिस मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, और नर्सिंग प्रोसेस से सेकेंड स्टेप है, और ये इट इज ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल फैमिली और कम्युनिटी रेस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब बात करें कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, कि क्लिनिकल जजमेंट है, इससे मतलब डायग्नोसिस करने से आपको एक ईजिली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उस पेशेंट के क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर की अगर बात, डॉक्टर को पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, वो पेशेंट सवाल पूछता है, उसको जवाब काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन क्यों करवाता है, डायग्नोसिस क्यों करवाता है, उसको कंफर्म करने के लिए। कंफर्म क्योंकि देखो काफ़ी बार हो सकता है कि अपन ने जो चीज़ें देखा होगा कि वो जो चीज़ें देखी जाती वैसी होती नहीं है, ठीक है। अब पेशेंट ने तो चीज़ें बोल दी कि उसके चेस्ट पेन होने लग गया, बट आइडेंटिफाई किया, डायग्नोसिस किया किसके थ्रू करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या कराओ किसी, ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चलो इतना तो पता है सबको, हाँ ईसीजी के बारे में पता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्रू करते हैं, सांस में दिक्कत होती है, ईसीजी तो कब करेंगे, ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और ईसीजी कब किया जाता है, जब पेशेंट का जो हार्ट है उसमें अगर बात तो एक रिदम होती है, एक लय होती है जिसको अपन कहते हैं ओके, कि एक मिनट के अंदर 72 बीट्स होनी चाहिए, 72 to 80 वो बीट्स हो रही है, और उसमें जो अगर बात करें रिदम एकदम प्रॉपर है, अगर उसमें तरह किसी तरह कोई अगर बात अनियमितता आ जाती है, मतलब किसी तरह कोई फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो वो ECG के थ्रू हमें आइडेंटिफाई होगा, कि जैसे उसमें देखा होगा PQRST। अब इसमें अगर देखा होगा कोई वेव अगर ज़्यादा छोटी रह गई या कम रह गई या ज़्यादा हो गई, तो उसे क्या पता चलेगा कि हार्ट ने किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। अब ECG आपने करवाई और ECG आपको नॉर्मल मिल गई, मतलब कि उसके हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, हो सकता है कि उसके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, उसमें भी काफी अब चेस्ट पेन होता है। ओके, अब बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस में, तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस अगर बात करें, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस और पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, उसके बाद डायग्नोसिस आपने कर लिया कि हाँ इनकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो उसको सही कैसे करना रहा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, प्लानिंग। सो नेक्स्ट स्टेप इज नर्सिंग प्लानिंग। इसमें आता है इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग बिफोर हैंड द स्ट्रेटजीज और कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्सिंग केयर। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आपको में से कोई बताएगा, प्लानिंग नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग वही तो, प्लान क्या करना, प्लान मतलब क्या है, प्लान का मतलब योजना बनाना, हिंदी मतलब नहीं पूछ रहा हूं मैं आपको, मैं अभी आपको क्लियर कह देता हूं, मैं हिंदी का मतलब नहीं पूछ, मैं ये जानना चाहता हूं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए या फिर डिस्क्राइब कीजिए। तो वो तो चीजें अपन प्लानिंग कर रहे, पर होता क्या है वो, क्या होता है प्लान बताओ, चलो आप काफ़ी हद तक करीब हो,
बट मैं आपको थोड़ा सा और इसको बेहतर बताऊं, आप में से और कोई कोशिश करना चाहेगा? प्लानिंग का मतलब क्या होता है, कोई कोशिश करना चाहेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ, प्लानिंग का मतलब होता है, जैसे मैं अगर आप बात करूँ, प्लानिंग टू फेल लीड्स टू फेलिंग। ओके, मैं इसको आपको लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, समझ आ रहा है ये आपका लाइन? फेल फेल FAIL। मतलब तो आप इसको समझ नहीं आ रहा है, नहीं मैं आपको समझाता हूँ। फेलिंग टू प्लानिंग का मतलब कि आप कोई काम करने के लिए, अगर प्लान करने के लिए आप फेल हो गए, कि आपने प्लान करना था आपको ये कहीं कोई काम करने का, आपने उस प्लान को करने में आप फेल हो गए, या फिर उसके प्लानिंग करने में आप फेल हो गए, तो आप अपने फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। समझ में आ गया? नहीं आया, मैं आप ही समझाता हूँ। फेल होने की प्लानिंग आप इस हिसाब से करते हो, फेल होने की प्लानिंग नहीं, यहाँ पे ये कह रहा है कि प्लानिंग लाइक जैसे फेलिंग टू प्लानिंग कि मतलब आपने बात करें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने आप बात करें तो फेल हो गए, फेल मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपने फेल होने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो। अब आई होप आपको शायद चीज़ें समझ में आई हो कि आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए, पास होने के लिए आपको क्या जरूरी है, पढ़ना। बट आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो तो वो क्या है, प्लानिंग टू फेल। ठीक है, तो ये मतलब होता है कि कोई भी आप प्लानिंग, एक वर्ड कहीं कहा गया तो प्रोवर्ब ऐसा कुछ है कि आप किसी चीज को प्लान करने में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपने फेल होने की प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, सो अपन वापस कंटिन्यू अपने इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके, सो नर्सिंग प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, ओके, स्टेप बाय स्टेप, ओके, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से आप एक्शन लेते हो, ओके, जिससे वो एंड रिजल्ट तक आप पहुंच पाओ, ओके, उसको अपन क्या कहते हैं, प्लानिंग, उसको फॉर्मेट तरीके से चीजों को बनाना। अब प्लानिंग की अगर बात करें तो उसमें तीन तरह की प्लानिंग होती है, एक इनिशियल प्लानिंग, एक ऑनगोइंग प्लानिंग और एक डिस्चार्ज प्लानिंग। ओके, अब बात करें कि तीन तरह के, जैसे कोई पेशेंट आता है, जैसे प्लानिंग की अगर बात करें, चलो आपको मैं एक पेशेंट की जगह, आपको शायद शादियाँ ज़्यादा पसंद हो, मुझे तो बहुत पसंद है शादियाँ आ जाना। ठीक है, तो शादियों में अगर बात करें तो शादियाँ कभी ऑर्गेनाइज किया है, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से पहले इनिशियली प्लानिंग क्या होती है कि गेस्ट आते हैं, ठीक है, गेस्ट आते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है कि गेस्ट आएंगे कहाँ रुकेंगे, उनके क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनिशियल प्लानिंग। सेम अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में भी अगर बात करें तो आप वहाँ पे क्या हो, एक होस्ट हो, मतलब मेजबान हो, पेशेंट कौन है, वहाँ पे मेहमान है, जो आया है सही होगा और जाएगा। तो इनिशियल प्लानिंग क्या होगी कि पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, आप उसको एडमिट करते हो, अब कहाँ एडमिट करना है, कौन से बेड पर करना है, बेड खाली है, वहाँ पर सारी अरेंजमेंट करना, वो आएगा इनिशियल प्लानिंग में। फिर उसके बाद ऑनगोइंग प्लानिंग,
ऑनगोइंग प्लानिंग का मतलब ये होता है कि पेशेंट एडमिट हो गया है, अब उसका डेली रूटीन के हिसाब से अपने को क्या करनी है, प्लानिंग करनी है कि आज उसका क्या रहेगा स्केड्यूल, आज उसके ऑपरेशन है या क्या, आज उसका क्या डिजीज, अपनी बात करें कौन सी थेरेपी करनी है, तो वो ऑनगोइंग प्लानिंग। तीसरी होती है डिस्चार्ज प्लानिंग, इसमें बात करें कि इट इन्वॉल्व एंटीसिपेशन प्लानिंग फॉर द क्लाइंट्स नीड्स आफ्टर डिस्चार्ज, कि पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में, डिस्चार्ज हो गया उसके बाद में उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या केयर करनी है, ये सारी चीज़ें होती है डिस्चार्ज प्लानिंग में। ओके, तो यहाँ पे तीन तरह के स्टेप्स है नर्सिंग प्लानिंग में। ओके, अब इसके प्लान करें कि टाइप्स करें कि केयर प्लान कितने टाइप्स के होते हैं, स्टूडेंट केयर प्लान, इंस्टीट्यूशनल कंप्यूटराइज, स्टैंडर्डाइज और केयर प्लान फॉर द कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग्स। अब बात कर, आपने प्लान कर लिया, अब क्या करना है, उसको एक्शन में लाना है, मतलब इम्प्लीमेंट करना है। आपने बहुत सारी चीज़ें सोच ली लाइफ में, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो या नहीं सोचते हो, हाँ रोज़ सुबह उठ के सोचते हो कि आज तो ये कर लूँगा, आज तो ये कर लूँगा, हाँ रात को सोचते हो कि सुबह उठ के मैं इतने बजे उठूँगा, सुबह पूरा ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। बट जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, मतलब जब वो उसको वापस को काम को आपको करना होता है, तब आप में से बहुत सारी चीज़ें होगी ना, आपने सोचते हो ना लाइफ में। चलो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपकी लाइफ का एम क्या है? एम क्या है लाइफ का आपका? उसके बाद में लाइफ का एम पूछ रहा हूँ, लाइफ का एम सबसे बड़ा एम यही है कि नर्सिंग ऑफिसर बनना। क्या अगर आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने तो आप बताओ पैसे कमाना। ओके चलो, सबसे बड़ा एम, चलो हर एक अपना अपना एम होता है, ठीक है, जो अपने को अचीव करना ही है। ओके, लाइफ में कोई भी एम हो। अब बात करते हैं, आपने एम प्लान कर लिया, डिसाइड कर लिया कि पैसे कमाने हैं, कितने पैसे कमाने हैं, हाँ अनगिनत। अब अनगिनत की अगर बात करें तो हर एक लिए अनगिनत है, बट हाँ कमरा भर के, एक कमरा तो इतना सा भी कमरा होता है, इतना भी कमरा होता है, इससे बड़ा भी कमरा होता है, कमरा तो अब देखो। यहाँ पे अगर बात करें, जो प्लानिंग की अगर बात करें, यहाँ पे अपन क्यों डिस्कशन कर रहे हैं कि जो भी अपन एम करते हैं या फिर लाइफ में जो भी गोल डिसाइड करते हैं, ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट क्या होता है, अपन बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लाइफ में, प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद जब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की, कि आपने सोचा कि मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक आनी है या फिर मुझे नॉर्थ सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, मतलब जैसे ही मैं GNM हो गया उसके बाद मुझे नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है और मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। अब आपने ये सोच लिया कि मुझे करना है, उसके लिए आपने प्लानिंग भी कर ली कि मुझे इतने इतने घंटे पढ़ना है डेली। सोचते हो आप डेली कि मुझे कम से कम एक घंटा डेली पढ़ना है, डेली के दो घंटे पढ़ना है। बट जब बात आती है वो चीज़ करने में, इम्प्लीमेंट करने में, वहाँ पे क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो, पीछे हट जाते हो, हाँ कि चलो आज तो पढ़ने की इच्छा नहीं है, आज घर में काम आ गया, आज वो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। जब आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो तो रिजल्ट वैसे नहीं आते। तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो नर्सिंग केयर प्लान इज पुटिंग नर्सिंग केयर प्लान इनटू एक्शन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये होता है कि आपने जो केयर प्लान बनाया है उसको वो एक्शन में लेके आना, ठीक है। जब आप ये काम करते हो तभी क्या होगा, आपको आपके जो गोल्स है वो अचीव होते हैं, उसी से वो पर्सन हेल्दी रहेगा। जैसे आपके वो अपने पेशेंट कोई एडमिट है, पैरालिसिस का पेशेंट एडमिट है, ओके। अब पैरालिसिस का पेशेंट कोई एडमिट है और उसके एक साइड में पैरालिसिस हो गया है, अब आपको बोला गया कि उस पेशेंट की केयर करनी, और पेशेंट कम से कम लगभग एक महीने तक एडमिट रहता है पैरालिसिस का पेशेंट, उसके साथ में उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह भी होती है, और फिजियोथेरेपी का बोल दिया कि आपको फिजियोथेरेपी करवानी है, ओके। फिजियोथेरेपी का मतलब पता है ना, एक्सरसाइज करवाना। अब आपको बोल दिया कि ये आपको काम करना है, ठीक है, आपने सोचा कि हाँ चलो ये काम करूँगा, बट हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट थे,
आपके पास टाइम नहीं मिला और आप उसकी केयर नहीं कर पाते हो, ठीक है, एक दिन नहीं करते, फिर दो दिन नहीं करते, फिर तीन दिन, और ऐसे आप रेगुलर नहीं करोगे तो क्या होगा, वो पेशेंट बेड सोर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बॉडी का मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो अपने को क्या करना है, जो भी आप काम आपने प्लान किया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है जैसे नॉलेज, स्किल, अपना कम्युनिकेशन और थेरापेटिक यूज़ ऑफ सेल्फ, कि कैसे खुद का वहाँ पे उपयोग करना ताकि वो पेशेंट की हेल्थ है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुँचाई जा सके। दिस फेज प्रोवाइड द एक्चुअल नर्सिंग एक्टिविटीज़। इस फेज के अंदर जब आप कोई भी प्रोसेस अगर बात करें तो ये एक फेज़ होता है जहाँ पे आप अपना जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट करते हो। अब इससे पहले जो भी आपने काम किया है, प्लानिंग वगैरह जो भी स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स क्या थे, कागजों में थे, पेपर्स मोस्टली काम था। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सारा काम फिजिकली काम कर रहे हो, पेशेंट के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अपना सारा कम्युनिकेशन, अपनी स्किल्स यूज़ करनी होगी, तभी वो पेशेंट के ऊपर आप एक बात करें उसकी हेल्थ को एक अच्छे लेवल पे पहुँचा पाओगे, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज दैट आर द स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शंस नीडेड टू कैरी आउट द इंटरवेंशन और नर्सिंग ऑर्डर्स, ओके। तो इसमें अगर बात करें तो वो सारे एक्शंस आते हैं, जो स्पेशल एक्शंस आते हैं जो पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अब बात करें इसमें कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत होती है, आपने की कॉग्निटिव, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी टेक्निकल और साइकोमोटर। चार तरह की स्किल्स होती है, एक होती है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब जो होता है अपनी नॉलेज से रिलेटेड, ओके। इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करें कि कोई भी आपके सामने हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होगी, जैसे पेशेंट की अगर बात करें कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या जैसे उसके अगर बात करें कि कोई कोई भी एक डिजीज़ की आप बात करें, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, जैसे वहाँ पे उसने कुछ खाना गिरा दिया कुछ, तो प्रॉब्लम हो गई, उसको सॉल्व क्या करना, इमिडिएटली क्लीनर को बुलाना है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। उसका नेक्स्ट है इंटरपर्सनल स्किल, इसमें इट इंक्लूड वर्बल एंड नॉन वर्बल रेस्पॉन्स एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा, आपका और पेशेंट का, आपका और डॉक्टर का, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स में होगा, इसमें आपकी वर्बल और नॉन वर्बल रेस्पॉन्स होंगे। उसके बाद में टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स मतलब कि आपके पास जो इक्विपमेंट्स है, जो मशीन है, उसका यूज़ करके पेशेंट की हेल्थ को सही करना, उसको इम्प्रूव करना। उसके बाद है चौथा है साइकोमोटर, इट इंक्लूड्स हैंड ऑन स्किल्स नीड टू परफॉर्म सच एज एडमिनिस्ट्रेटिंग इंजेक्शन, ड्रग्स, लिफ्टिंग, मूविंग। ये साइकोमोटर स्किल्स होते हैं जो बहुत हेल्प करते हैं किसी पेशेंट के लिए या अपने खुद के लिए भी। जैसे आपने देखा होगा कि कोई नर्स है या फिर कोई भी डॉक्टर अगर बात नर्स है, वो बहुत अच्छे से इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो केस में आएगा वो साइकोमोटर स्किल में, कि उस काम को बार बार करते हैं जिससे वो उसमें परफेक्ट हो जाता है, ओके। तो ये सारी नर्सिंग स्किल्स है जो अपन यूज़ करते हैं, जो नर्सिंग प्रोसेस में जो भी आपकी स्किल्स है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है, पेशेंट को देखना, उसका नर्सिंग केयर प्लान पढ़ना, उसके बाद उसके रिसोर्सेज देखना, उसके बाद एंटीसिपेटिंग प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। अब ये आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके लास्ट है उसको इवेल्युएट करना, उसको वापस इवेल्युएट करना कि जो काम किया है, ठीक है, वो काम कैसा किया है। अब ये इवेल्युएशन काफ़ी काल अपन खुद करते हैं, कभी कभी कोई और करता है, नॉर्मल लाइफ में भी अगर बात करें, ओके, बहुत सारे लोग इवेल्युएट करते हैं, आपको इवेल्युएट करते हैं कि अपने में क्या क्या कमियां हैं, अपने में क्या क्या खूबियां हैं। तो वैसे ही आपने जो वर्क किया है, आपने जो काम किया है, उस पेशेंट की अगर बात करें, पेशेंट को आपने ट्रीटमेंट दिया है, और ओवरऑल अगर बात करें तो उसका कैसा रहा, उसकी इफेक्टिवनेस। दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस विच इंक्लूड द जजमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर टू मीट गोल्स बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स बिहेवियरल रेस्पॉन्स। मतलब ये है कि ये जो लास्ट फेज है, इसके अंदर क्या आता है कि आपने जो नर्सिंग केयर दी है वो कितनी इफेक्टिव दी है, ठीक है।
ठीक है, कितनी इफेक्टिवली, कितनी सही तरीके से आपने काम किया है। अगर अच्छे तरीके से काम किया तो पेशेंट है वो बहुत जल्दी से रिकवर होगा, अगर अच्छे से काम नहीं किया तो पेशेंट वो टाइम लगता है। ठीक है, अभी अगर बात करें तो देखा होगा आपने एवोल्यूशन है, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज और बिलो एवरेज। जैसे आपने, आप जैसे कोई आंसर शीट लिखते हो तो आपको मार्क्स मिल जाए ना, 10 out of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 भी मिलते हैं। हाँ, देखा होगा ना टीचर्स कॉपीज चेक करते हैं आपकी कि 10, कभी 10 में से 10 मिलते हैं ना आपको? हाँ, आए नहीं कभी? अच्छा, 5 से ऊपर गए नहीं, क्या बात है। तो वही रिकॉर्ड रखना है या उसको रिकॉर्ड को ब्रेक भी करना है? हाँ, बढ़ाना है ना, क्योंकि यहाँ पे भी आपको रिकॉर्ड ब्रेक करना पड़ेगा अगर आपको पास होना चाहो, पास हो, क्योंकि अपने यहाँ पे नर्सिंग में 10 में से 5 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। 10वीं में 12वीं में 33% चाहिए थे, बट यहाँ पे 33% नहीं चाहिए, यहाँ को आपको चाहिए 50% पास होने के लिए। ठीक है, 50 मार्क्स चाहिए आपको 100 में से पास होने के लिए। मतलब यहाँ पे आप सोचो ना कि थर्ड डिवीजन विद ग्रेस पास हो जाओ, यहाँ थर्ड डिवीजन सिस्टम नहीं है। हाँ, या तो आप बैक रहो, बैक हो जाओगे 1 साल के लिए। ठीक है, मतलब थर्ड डिवीजन आप पास नहीं होंगे, या तो फिर आप फेल हो या फिर पास हो, 50 से ज़्यादा आएंगे तो पास हो वरना फिर फेल हो जाओगे। ओके, तो अपने कम से कम यहाँ पे अगर बात करें, कम से कम ये वेरी गुड या एक्सेलेंट तक पहुँचना है, आउटस्टैंडिंग हो तो और अच्छी बात है, बट यहाँ से आपको नीचे नहीं जाना है। ठीक है, 5 में से आप यहाँ बीच में वेरी गुड है ना, यहाँ पे रहना है, इससे नीचे गए तो फिर दिक्कत रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इवेल्यूशन के 2 तरह के टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस इवेल्यूशन, आउटकम इवेल्यूशन, और एक होता है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, दूसरा टाइम और फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट बात करें नर्स के रोल। अब नर्स का क्या रोल होता है ये मैंने पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है, फिर आप देखना चाहो तो आप देख लो, एक रोल, एक नर्स के बहुत सारे रोल है। जैसे देखा होगा फैमिली में मदर के कितने सारे रोल होते हैं, मदर कितने सारे काम करती है, वैसे एक हॉस्पिटल में नर्स के बहुत सारे रोल है। वो एक कम्युनिकेटर की तरह, एक एजुकेटर, एक काउंसलर, एक रिसर्चर, एक मोटिवेटर, कोऑर्डिनेटर और मैनेजर, इतने सारे रोल वो प्ले करती है। ठीक है, पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करना, उसको एजुकेट करना, उसको काउंसलिंग करना, उसको बारे में, उसके डिजीज के बारे में उसको रिसर्च करना, उसको मोटिवेट करना, उसको कोऑर्डिनेट करना और मैनेजर की तरह, इतने सारे वो काम करती है। ठीक है, अब बात करें, मैं एक आपको सैंपल बता रहा हूँ, ये है इस तरह का केयर प्लान बनता है, नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग असेसमेंट, जैसे आपने यहाँ पे, ये एक एग्जांपल है कि जैसे कोई पेशेंट आया, उसने बताया उसकी पेशेंट वर्बलाइज दैट ही और शी इज नॉट एबल टू पास यूरिन, उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है, उसने ये कंप्लेंट बताई, उसने सब्जेक्ट। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सब्जेक्टिव मतलब पेशेंट ने बताया, ऑब्जेक्टिव मतलब आपने क्या देखा। ठीक है, एक जैसे कोई बीमारी है, एक मरीज देख रहा है और एक आप देख रहे हो, दोनों के बारे में आपने देखा कि ऑब्जर्व दैट क्लाइंट इज हैविंग इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। ठीक है, इम्पेयर्ड मतलब कि पेशेंट के, आपने देखा कि पेशेंट को पिछले 8 घंटे से प्रॉपर यूरिन नहीं हो पा रहा है, ये आपने देखा। उसने तो कह दिया कि मुझे यूरिन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पास ही नहीं, पर आपने देखा कि 8 घंटे से उसने यूरिन पास आउट नहीं किया है। ओके, ये आपका लुकआउट है। उसके बाद में आपने क्या किया, डायग्नोस किया। डायग्नोसिस में आपने देखा इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन एज एविडेंस्ड बाय इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग। अब आपने डायग्नोसिस किया कि आपने उस पेशेंट को पानी जितना पिलाया उस हिसाब से आउटपुट कितना निकल रहा है। आउटपुट आपने क्या किया, इनपुट आउटपुट चार्ट होता है, आईओ चार्ट, आपने देखा सबने, हॉस्पिटल में जो काम करते सबको पता होगा कि पेशेंट जहाँ पे बेड पे ले उसके पास एक चार्ट होता है जिसे यूरिन बैग और लिखा होता है कि कितना पानी पिलाए, कितना यूरिन पास आउट किया, आईओ चार्ट उसको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट चार्ट। तो उससे आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ कि उसके ब्लाडर में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है
जिसके कारण यूरिन जितना पास आउट होना चाहिए उतना पास आउट नहीं हो रहा। अब आपका क्या रहेगा गोल, गोल जैसे अगर बात करें ये आप ऐड कर सकते हो, नहीं भी करो बट ये कि आप ये ऐड करोगे तो बहुत बेटर है। अब गोल क्या रहेगा आपका कि आपका गोल ये टू मेंटेन द नॉर्मल यूरिनरी पैटर्न ऑफ द पेशेंट। आपका गोल यहाँ पे क्या है, पेशेंट को यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है तो अपने को क्या करना है उसको नॉर्मल यूरिन पास आउट तक लेके जाना, यहाँ कि ऐसा इस तरीके से बना कि अपना यूरिन है वो इजिली पास कर पाए, ठीक है, ये आपका गोल है। अब उसके लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में आपने क्या किया, सबसे पहला तो ये आपने असेस किया कि पेशेंट की फ्रिक्वेंसी क्या कैसी है, मतलब कितने टाइम में वो यूरिनेशन के लिए जा रहा है वॉशरूम। टू असेस वॉइडिंग पैटर्न मींस फ्रिक्वेंसी एंड अमाउंट ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट कितनी बार यूरिन के लिए जा रहा है और उसमें उसकी अगर बात करें तो फ्रिक्वेंसी और अमाउंट कितना है ये अपन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसके क्या करेंगे अपन, टू प्रोवाइड हॉट कंप्रेशन टू द पेशेंट, पेशेंट को हॉट कंप्रेशन देंगे, ठीक है, उसमें यूरिन कैथेटर डालेंगे, ओके, और आउटपुट इनपुट चार्ट मेंटेन करेंगे। ये अपने क्या की, प्लानिंग की। इस तरीके से अपने को लगा कि हाँ ये सारी चीज़ें सही हो जाएगी। अब प्लानिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, वॉइडिंग पैटर्न ऑफ द पेशेंट इज असेस्ड। अब आपने देखा कि पेशेंट को आपने असेस किया कि हाँ कि उसके 8 घंटे से उसने यूरिन पास आउट नहीं किया, तो आपने क्या किया उसको हॉट वाटर बॉटल की बॉटल दी ताकि वो कंप्रेस कर सके, ठीक है, और उसके आपने क्या कर दिया इंसर्ट यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर जब उसके आपने इंसर्ट किया तो उसे क्या आइडिया मिल गया कि उसने पेशेंट ने यूरिन आउटपुट किया, यूरिन निकला और लगभग उसने 1800 ml यूरिन पास आउट किया। जैसे अगर बात करें यूरिन कैथेटर लगाते, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो यूरिन पास आउट नहीं कर पाते, उसके लिए क्या करते हैं यूरिन कैथेटर लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यूरिन पास आउट नहीं हो पाता। तो आपने क्या किया उसके कैथेटर लगाए, कैथेटर लगाने से यूरिन पास आउट हो गया, तो प्रॉब्लम क्या हो गई सॉल्व, ओके। तो ये आपने लास्ट में इवेल्यूशन कर दिया कि हाँ कि जब कैथेटर लगाया तो उससे बाद में पेशेंट को उससे कोई डिसकम्फर्ट नहीं हुआ, उसने लगभग 1800 ml यूरिन पास आउट किया, ओके। तो ये है नर्सिंग केयर प्लान, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा आज, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, डेफिनेशन, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, 5 स्टेप्स और रोल ऑफ नर्सेस, ओके। तो ये है नर्सिंग प्रोसेस के बारे में, क्लियर है यहाँ पे आपको नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है, समझ आ गए स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप क्या है, असेसमेंट, गुड। दूसरा डायग्नोसिस, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट मतलब सबसे पहला है असेसमेंट, नंबर सेकंड डायग्नोसिस। शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, डायग्नोसिस शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो 5 स्टेप्स है और ये चलता रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसके लिए वापस कुछ और, नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर कुछ और, ठीक है। तो जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो तो
एक पेशेंट के लिए जैसे जो भी डिसीज है, तो कम से कम उसके 5 लगभग केयर प्लान बनते हैं एनसीपी। ठीक है, मतलब एक पेशेंट आया तो उसको ये थोड़ी कि सिर्फ एक ही दिक्कत होगी, और भी खूब सारी दिक्कत होगी, जैसे उसका हेरिन पास आउट नहीं हो रहा, साथ में और भी दिक्कत होगी, तो उसके लिए आपने क्या किया। ठीक है, तो ये है नर्सिंग प्रोसेस। इसके नोट्स है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अभी बैग पैक नहीं करना, अभी टाइम है। ठीक है, ओके तो अपने 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं कम्युनिटी में। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी, दूसरा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर उसके बाद में है तीसरा यूनिट। किसने गेट बजाया क्या? नहीं? सो नेक्स्ट आप, ठीक है, हेल्थ असेसमेंट के बारे में। ओके, कि हेल्थ असेसमेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, अब कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसका हेल्थ असेस कैसे करते हैं। असेसमेंट का मतलब जैसे आपको समझ में आ गया, असेसमेंट का मतलब भी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है, असेसमेंट। तो तीसरा यूनिट है वो है हेल्थ असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि चीज़ देखना, पता करना। ठीक है, अब किसी पर्सन की हेल्थ कैसी है, वो क्या वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। अनहेल्दी है वो कैसे पता चलेगा, उसको असेस करके, उसको देखकर। अब बात करें अलग अलग एज के अंदर, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, और 5 साल के अपन मान के चले, चलो 1 साल का बच्चा है, ठीक है, उसका वेट है 8 किलो वेट है, 1 साल का बच्चा है, या फिर जस्ट चलो मैं बच्चे से छोड़ो, मैं खुद की बात करता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, मैं हूँ, ठीक है, और मेरा वेट है लगभग 85 kg, ठीक है, और एज है मेरी 34 years। ओके, सो 34 years के हिसाब से क्या मेरी वेट ज़्यादा है या नहीं है। ज़्यादा है तो वो कैसे पता चलेगा, देखने से नहीं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको शायद पता होगा, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब बात करें जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 6 फिट है, तो उस हिसाब से क्या हाइट के हिसाब से क्या वेट सही 85, नहीं ज़्यादा है वो, मेरा जो अप्रोक्सीमेटली वेट हो कितना होना चाहिए, लगभग 72 से लेके 75। इतना वेट होना चाहिए, बट अभी कितना मेरा 85, तो ये क्या है ज़्यादा, तो इसको क्या करना होगा,
कम करना हो तभी मैं किस में आऊंगा, हेल्दी में। 90 19 साल के आप हो, आपकी हाइट कितनी है? ये इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ BMI के ऊपर, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें आपकी है ना, अगर बात करें आपका तीन, इसका फॉर्मूला होता है ये, वैसे है तो बहुत थोड़ा टॉपिक लंबा है, बट आपको मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि, ओके कितना है वेट, कितना है? 69। इसको डिवाइड करना है, आपकी जो हाइट है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपकी जो हाइट होती है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है BMI का, वेट kg के अंदर डिवाइड बाय हाइट। आपकी वेट 69 kg है, आपकी हाइट कितनी है? 6.7। 6.7 पता है हाइट किसको कहते हैं? हाँ, 6.8, 7.8, ये बहुत ज़्यादा हाइट है तुम्हारी। तीन तुमने कभी हाइट कैलकुलेट मेजर की है? कहाँ मेजर की तुमने? तो रॉन्ग मेजर की है, सही कैलकुलेट तुम्हें करना शायद नहीं आता है। जिसने कैलकुलेट की है उसने गलत कैलकुलेट की थी। एक और खड़े हो जाओ, आइडिया आइडिया लग जाएगा उसे। ओके चलो फिर हो सकता है, ठीक है। तो 6 feet 7 feet 6.7 तुम्हारी अगर हाइट है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसको तुम्हें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। जैसे 6 feet का मतलब कितना होता है, 1 feet में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर थर्टी, ओके इसको अगर जैसे अपन थोड़ा सा और डीप में करेंगे तो 1 inch में ना लगभग 2.53, ठीक है। ये अगर जैसे अपन थोड़ा सा इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा कुछ और डाटा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, क्योंकि अब जैसे अपन यहाँ पे ऑन एन एवरेज निकाला है, ठीक है। तो 180 सेंटीमीटर जैसे तुम्हारी हाइट, तुम्हारी लगभग हाइट होगी लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा वेट 69 डिवाइड बाई करेंगे 200, ओके 200 को डिवाइड, अब जैसे अपन कन्वर्ट करेंगे जब मीटर में तो कितना आएगा? 2। तो कितना आया? 69 डिवाइड बाय 2, 34.5। तुम्हारी अगर बात करें तो वेट थोड़ा सा कम होना चाहिए। नहीं, अगर जैसे हाइट तुम्हारी ज़्यादा है ना इस हाइट के कंपेटिवली, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये BMI था, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो इसका तो अलग से टॉपिक है, अपन फिर कभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद तो अपन कहाँ पे थे? अपन हेल्थ असेसमेंट के ऊपर। अब हेल्थ असेसमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारी अपनी लाइफ में स्टेजेस होते हैं, ठीक है। जब बच्चा, जब सबसे पहले जब गर्भ में होता है उसको अपन क्या कहते हैं?
एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद में न्यूनेट, न्यूनेट के बाद में अगला, ये जब तक 20 डेज का, उसके बाद में इन्फेंट, उसके बाद में इन्फेंट के बाद में प्री इन्फेंट नहीं होता है, प्री स्कूल, प्री स्कूल के बाद में है टॉडलर, न्यू ससल एम्ब्रियो, नियोनेट, इन्फेंट, प्री स्कूल, स्कूल गोइंग, टॉडलर, एडल्ट और ओल्ड। ओके, ये सारे अलग अलग क्या है, एज के हिसाब से नेम है, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें तो उनका हेल्थ असेस करते हैं, तो हर एक के हेल्थ असेसमेंट के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अब जैसे आप किसी एडल्ट की अगर हेल्थ असेस करते हो, ठीक है, जैसे इनका अगर आप ब्लड प्रेशर अगर आप देखते हो, या फिर अगर इनकी हार्ट बीट है, वो हार्ट बीट कितनी होती है, कितनी होती है 72। वहीं अगर एक बात करें, एक न्यूनेट की बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो की हार्ट बीट कितनी थी नॉर्मल 150 से अबव, वो नॉर्मल होती। वहीं अगर बात करें एडल्ट के लिए, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, अगर बात करें, ओके 120/80, और ओल्ड में क्या होता है, वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा अप रहता है, ठीक है। और वहीं बच्चों में ब्लड प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। तो ये सेम अगर बात का असेसमेंट करने के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं सेम, तो उसके लिए अपन पूरा टॉपिक ये डिस्कशन कल करेंगे फिर, ठीक है। ऐसे PPT के थ्रू मैं शेयर करूँगा। और नर्सिंग प्रोसेस जो है ना, आज टॉपिक पढ़ा है, इसके मैंने नोट्स है वो सर को भेज दिए हैं, तो आपके ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अब तक जो पढ़ाए कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, आप पूछिए। सेकंड में नर्सिंग में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग था, इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग के बाद के नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग क्या है, उसके क्या क्या कंसेप्ट क्या क्या है, उसके बारे में नर्सिंग की फिलोसफी क्या है, उसके बाद कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के बारे में, हेल्थ के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, ये सारे सबसे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में फिर कम्युनिटी के बारे में आया था, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, उसके क्या क्या डेवलपमेंट हुए, ये सारी चीज़ें।